नमस्कार दोस्तों, एक पांडा कंपनी का एक पैनल है, उसकी DC to DC IC है। इसके बारे में हमने लास्ट स्कीमेटिक सर्किट के द्वारा तो हमने जानकारी ले ली थी, लेकिन बोर्ड पर किस तरह से ये दिखती है और कंपोनेंट को हम कैसे पहचानेंगे उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो देखिए, इसका जो पूरा DC to DC सेक्शन है इस IC का, वो इतना सही है। बोर्ड पर आप जो देख रहे हैं, ये पूरा DC to DC सेक्शन इतने एरिया में आ चुका है। अभी इसको इनपुट 12 वोल्ट पर ये वर्क करती है IC। अभी 12 वोल्ट कहाँ आएगा और कौन सी पिन पर हमको रिसीव होगा उसके बारे में हम देखेंगे। तो हमने जैसे लास्ट वीडियो में उसमें सर्किट में देखा था कि जो 12 वोल्ट इनपुट होता है वो सीधा इसका पिन नंबर 20 और 16, 17 पर जाता है, और साथ में कॉइल जो ये है। अभी इसमें कैसे पहचानोगे कौन सी 3.3 की है, कौन सी 12 वोल्ट की है? तो आप मीटर से वोल्टेज चेक करिए। अगर आपका 12 वोल्ट इनपुट प्रॉपर है तो आपको जिस कॉइल पर 12 वोल्ट डायरेक्ट प्राप्त हो रहा है वो AVDD बूस्ट के लिए है, AVDD का स्टेप अप के लिए है। तो ये 12 वोल्ट यहाँ रिसीव हो जाएगा, और जो दूसरी कॉइल है वो 3.3 वोल्ट के लिए हो जाएगी। यहाँ पर 3.3 वोल्ट कम मिलेंगे आपको जब ये IC वर्क करेगी। तो जैसे ही इस IC को देखिए, यहाँ पर आपको 12 वोल्ट मिल जाएगा डायरेक्ट। तो यही 12 वोल्ट का आप सर्किट, इसको जूम करके मैं दिखाता हूँ दोस्तों। अगर किसी IC का आपके पास स्कीमेटिक या डाटा शीट या सर्किट नहीं है, तो आप इस तरह से क्लोज फोटो लेकर के उसके ट्रैक को आप ट्रेस कर सकते हैं। देखिए, आप यहाँ 12 वोल्ट आपको रिसीव हुआ, तो आप ये ट्रैक दिए, ग्रीन ग्रीन जो जा रहा है, आप इस ट्रैक को पकड़िए। देखिए कहाँ जा रहा है, ये आपको ये पिन पर डायरेक्ट मिल रहा है। ये 12 वोल्ट डायरेक्ट यहाँ आ रहा है। देखिए, ये 12 पिन होती हैं एक साइड में, तो वन यहाँ से शुरू होता है, तो वन से लेकर 12 ये हो गई 15, ये 16, 17 जो पिन है यहाँ पर आपको ये डायरेक्ट आपका 12 वोल्ट मिल रहा है। तो इस तरह से आप इसको ट्रेस करते कर सकते हैं कि कौन सा वोल्टेज किधर जा रहा है। तो जैसे इनपुट वोल्टेज इसको डायरेक्ट मिल गया, तो उसके बाद क्या होगा, 3.3 वोल्ट कहाँ से आउट होगा? तो आप ये कॉइल को पकड़िए, देखिए इसका ये डायोड एक लगा है और ये ट्रैक यहाँ आ रहा है। तो इस पिन से, ये दो दो पिन आप देख रहे हैं, ये जुड़ी हुई है आपस में, तो यहाँ से 3.3 वोल्ट आपको स्विचिंग होगा, और यहाँ आपको इंडक्टर के बाद में, कॉइल के बाद में आपको 3.3 वोल्ट रिसीव हो जाएगा इस पॉइंट पर, और इस पॉइंट पर रिसीव होगा। और उसके बाद ये कैपेसिटर लगा है यहाँ पर आपको, इसको फिल्ट्रेशन के लिए है, तो ये इस कैपेसिटर पर आपको 3.3 वोल्ट रिसीव हो जाएगा। आगे हमने इसके वर्किंग में देखा, 3.3 वोल्ट जब ये जनरेट कर देती है उसके बाद इसको इनेबल वोल्टेज चाहिए, जो कि इसका पिन नंबर 9 होता है। ये बहुत ज़रूरी है, पिन नंबर 9 इनेबल होगा तभी ये बाकी के अनदर वोल्टेज जनरेट करेगी। अभी यहाँ से देखिए, गिन लीजिए आप पिन नंबर 9 कहाँ पर आ रहा है, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, ये 9, 9 नंबर पिन देखिए, ये एक रेजिस्टेंस पर जुड़ी हुई है। तो आप इस पॉइंट पर, इस पिन पर चेक करिए कि आपको इनेबल वोल्टेज मिला है या नहीं मिला है। अगर यहाँ नहीं मिला है तो बाकी जो भी वोल्टेज है, AVDD, VGH, VGL, वो सब जनरेट नहीं होंगे। अगर यहाँ पर आपको इनेबल वोल्टेज रिसीव हो चुका है तो बाकी के जो आप अनादर वोल्टेज चेक कीजिए, दूसरे जैसे VGL। अभी इसके बाद क्या जनरेट होगा, VGL। अभी VGL का देख लेते हैं कि किस तरह से हम पता करें कि VGL का कौन सा पिन है। ये देखिए, यहाँ D3 लिखा है, यहाँ D1 लिखा है, D2 लिखा है, लेकिन ये दिखने में ट्रांजिस्टर जैसे लग रहे हैं। तो हमने जैसे स्कीमेटिक में देखा था कि ये डबल डायोड का एक कॉम्बिनेशन होता है, दो डायोड होते हैं इसके अंदर। ये D2 लिखा है, इसका मतलब ये नहीं है कि एक डायोड है, ये इसके अंदर इनबिल्ट दो डायोड होते हैं। इसी तरह VGL का भी ये D3 लिखा है, लेकिन इसके अंदर दो डायोड हैं। तो अभी मान लो जैसे यहाँ VGH का है, यहाँ तो डबल दिए हुए हैं, लेकिन किसी किसी में क्या होता है, सिंगल ही दिया हुआ होता है।
तो आप कैसे पहचानो कि कौन सा VGL के हैं डायोड, कौन सा VGH का है, कौन सा VGL का है? तो VGL का सिंपल सा पहचान है, इस पर आप पिनों में चेक करोगे तो ये जो दो पिन हैं इनमें से एक साइड की ग्राउंड से कनेक्ट होगी। देखिए ये जैसे ये वाली पिन है तो ये आप ट्रेस करिए, ये सर्किट के यहाँ देखिए जूम करके, ये देखिए यहाँ VGL लिखा है, ये ट्रैक कहाँ जा रहा है ये देखो, ऐसे ट्रेस करो, यहाँ आ रहा है। मीटर से आप कंटिन्यूटी चेक कर लीजिए, क्या ये यहाँ आने के बाद इस पे कैपेसिटर पर कंटिन्यूटी दे रहा है? अगर कंटिन्यूटी आ रही है तो देखिए ये कैपेसिटर के थ्रू यहाँ ये इस पिन पर आ रहा है, तो इसका मतलब ये पिन से क्या वोल्टेज जनरेट होगा? VGL, जो VGL लिखा है उसको हमने ट्रैक किया और इस पिन से VGL जनरेट हो रहा है। तो ये जो VGL के दूसरी पिन है ये ग्राउंड से कनेक्ट होगी। लिखा हुआ नहीं है तो भी आप जो डायोड है उसको आप चेक कर सकते हो कि VGH में कभी ग्राउंड के साथ कनेक्ट नहीं देगा, लेकिन VGL में ये जो पिन है ये ग्राउंड के साथ कनेक्ट रहेगी। एक पिन, ये वाली जो पिन है ये ग्राउंड के साथ कनेक्टेड रहेगी, और ये जो दूसरी पिन है ये इसके साथ में ये कैपेसिटर होगा, ये फ्लाइंग कैपेसिटर है, मतलब यहाँ पर इसका काम स्विचिंग का होता है, जो ड्राइव नेगेटिव बोलते हैं, चार्ज पंप सर्किट बोलते हैं इसको। ये कॉम्बिनेशन जो आप देख रहे हैं ये एक डायोड और ये कैपेसिटर, इसको नेगेटिव चार्ज पंप बोलते हैं। तो नेगेटिव चार्ज पंप में क्या होता है, देखिए ये जो सिरा है इसका, यहाँ पर इस IC के द्वारा स्विचिंग होगी, ये कैपेसिटर के एक सिरे पर। कैपेसिटर का जो दूसरा सिरा है ये वाला, ये दूसरा सिरा किससे जुड़ा रहेगा? इस डायोड के इस सिरे से, और यहाँ पर स्विचिंग होगी, ये कैपेसिटर पर स्विचिंग होगी, उसकी वजह से यहाँ वोल्टेज जनरेट होंगे, और ये जो लगे हैं डायोड इनके द्वारा रेक्टिफिकेशन होता है, और इनको कॉम्बिनेशन इस हिसाब से किया जाता है, डायरेक्शन इस हिसाब से होती है कि हमको यहाँ नेगेटिव वोल्टेज रिसीव हो, क्योंकि जब स्विचिंग होगी तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होते हैं, यहाँ DRBN ड्राइव नेगेटिव आती है, तो यहाँ पर हमको कॉम्बिनेशन इस हिसाब से होता है कि नेगेटिव ही वोल्टेज आउट हो, डायोड की डायरेक्शन पर डिपेंड करता है ये। तो जैसे ही यहाँ हमको VGL प्राप्त हो जाएगा उसके बाद हम अगला वोल्टेज देखेंगे कौन सा जनरेट होगा। अभी जैसे यहाँ पिन नंबर इनेबल होती है तो इस IC में ये होता है कि एक मॉस्फेट और लगा होता है, AVDD के बाद में एक पी चैनल मॉस्फेट होता है, इसका गेट इस IC के द्वारा इनेबल होता है। गेट इनेबल का मतलब है पी चैनल में हम जानते हैं कि जब गेट लो होगा, वोल्टेज नहीं रहेगा या ग्राउंड से कनेक्टेड रहेगा, तभी ये वोल्टेज को सोर्स से ड्रेन की तरफ पास होने देता है। अगर गेट इसका हाई है, मतलब वोल्टेज है यहाँ पर ज़्यादा, तो ये यहाँ से इधर पास नहीं होने देगा वोल्टेज को। तो जैसे ही यहाँ पिन नंबर 9 को इनेबल वोल्टेज मिलता है उस समय इसका गेट लो हो जाता है, लो मतलब ये इसको पास होने के लिए रास्ता दे देता है। लेकिन अगर आगे के सर्किट में कहीं शॉर्ट सर्किट या कुछ और प्रॉब्लम है तो ये गेट हाई रहेगा आपका। तो इस तरह से ये IC डिटेक्ट करती है कि वोल्ट, अगर ये गेट हाई है तो आपके ये बाकी के वोल्टेज जनरेट नहीं होंगे जब तक ये पी चैनल मॉस्फेट का गेट हाई है। अब इसमें ये हो सकता है कि ये पी चैनल जो मॉस्फेट है यही खराब हो सकता है, तो आप इसको चेंज करके देखिए। अगर VGL जनरेट नहीं हो रहा है तो आपकी क्या कीजिए, ये डायोड को चेक कीजिए, डायोड अगर प्रॉपर है, ये कैपेसिटर को आप चेंज करके देखिए, ये फ्लाइंग कैपेसिटर है, कई बार ये भी प्रॉब्लम करते हैं। तो आपको ये IC पर शक करने से पहले, इसको चेंज करने से पहले ये सभी कंपोनेंट को एक बार चेंज कर लेना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर प्रॉब्लम यहीं से क्रिएट होती है, बहुत कम चांस होते हैं कि IC खराब हो। अगर जली हुई नहीं है, देखने पर आप अगर आपको लग रहा है कि वो जल गई है या कुछ प्रॉब्लम है तो सीधा सीधा इसको चेंज करना ही पड़ेगा। बाकी अगर मान लो 3.3 वोल्ट जनरेट हो रहे थे लेकिन VGL नहीं मिल रहा है, बाकी अदर नहीं मिल रहे, तो पहले आप ये डायोड को चेक कीजिए, ये कैपेसिटर को चेंज कीजिए, फ्लाइंग कैपेसिटर जो है ये वाला जहाँ स्विचिंग क्रिया होती है, नेगेटिव चार्ज पंप। उसके बाद हम AVDD पे आते हैं। अभी देखिए AVDD का ये कॉइल है, इसको कैसे ट्रेस कर सकते हैं देखिए, हम और जूम कर लेते हैं।
यहाँ पर 12 वोल्ट मिलते हैं, और जब कोई वोल्टेज जनरेट नहीं होगा तो यहाँ पर भी आपको 12 वोल्ट सीधा मिलेगा, ये डायोड पर भी आ जाएगा। जब आईसी वर्क नहीं कर रही होगी तो क्या होगा, 12 वोल्ट यहाँ मिलेगा, सीधा कॉइल से पास हो जाएगा, डायोड से भी पास हो जाएगा, यहाँ सोर्स, ये मॉस्फेट की सोर्स पिन तक आपको 12 वोल्ट ही देखने को मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ बूस्टिंग क्रिया नहीं हो रही है, स्टेप अप वोल्टेज नहीं बन रहे। जब यहाँ स्विचिंग होगी तब जाके यहाँ पर वोल्टेज, बढ़े हुए वोल्टेज आपको देखने को मिलेंगे। तो देखिए, ये इस आईसी का 25 और 26 पिन नंबर, ये वाले दोनों जुड़े हुए एक साथ, और ये कहाँ आ रहे हैं, ये ट्रैक देखिए, ये ट्रैक से ये डायोड और ये आई कॉइल के बीच में जुड़ रहा है, तो मतलब यहीं पर स्विचिंग होती है। और जब ये स्विचिंग होगी तो यहाँ पर हमको एवीडीडी वोल्टेज देखने को मिलेगा, और उसको ये कैपेसिटर फिल्ट्रेशन के लिए होते हैं, क्योंकि यहाँ जब स्विचिंग होती है तो एसी वोल्टेज होता है, ये डायोड क्या करता है, उसको रेक्टिफाई करता है, रेक्टिफाई के बाद क्या होना चाहिए, फिल्ट्रेशन होना चाहिए, फिल्ट्रेशन के लिए कैपेसिटर लगा दिया जाता है। अभी ये मॉस्फेट क्या करता है, ये एवीडीडी और वीजीएच के लिए आइसोलेशन, मतलब अलग करता है दोनों को एक तरह से। अभी यह एवीडीडी वोल्टेज के द्वारा ही वीजीएच वोल्टेज बनता है, वो कैसे बनता है, जैसे ही मान लो इस चैनल का पी चैनल मॉस्फेट है, इसका गेट इनेबल होगा, तो ये एवीडीडी वोल्टेज यहाँ से सोर्स से इसके ड्रेन पर चला जाएगा। ड्रेन को आप ट्रेस कीजिए, देखिए फिर वो क्या करता है, ये आप देखिए, दो ये रहा ड्रेन, अभी ड्रेन को ट्रेस कीजिए, देखिए यह यहाँ से गया, ये कैपेसिटर्स इनके द्वारा, ये देखिए यहाँ आया, इधर ये इस पॉइंट पर आया, यहाँ पर क्या आया, एवीडीडी वोल्टेज। अभी इस एवीडीडी वोल्टेज को बढ़ाने के लिए यहाँ पर ये दो डायोड लगाए हुए हैं, और ये दो डायोड के द्वारा ही वीजीएच वोल्टेज जो मिलेगा हमको, वो वीजीएच वोल्टेज ये दो डायोड के द्वारा मिलेगा। इसका हम सर्किट में ऑलरेडी जिक्र कर चुके हैं, तो आपको अगर एवीडीडी मिल रहा है, वीजीएच नहीं मिल रहा है, तो उन चीज़ों में आप ये सारे कंपोनेंट को चेक कीजिए। ये देखने में आपको ट्रांजिस्टर लग रहा है, लेकिन ये ट्रांजिस्टर नहीं है, ये डायोड हैं, दो डायोड के कॉम्बिनेशन हैं, इनको चेक कीजिए प्रॉपर से। तो इस तरह से ये वीजीएच वोल्टेज बन करके वापस इस आईसी को इनपुट होता है। अभी इससे आउट क्या होता है, जो देखिए इसका पॉइंट दिया है ना, वीजीएच का टेस्टिंग पॉइंट आगे दिया हुआ है, तो वो वीजीएच का टेस्टिंग पॉइंट पर क्या होता है, यहाँ से एक वीजीएचएम पिन नंबर 40, देखिए यहाँ 36 हो गया, 37, 38, 39, 40, ये जो 40 नंबर पिन आप देख रहे हैं, ये वाला, यहाँ से वीजीएचएम आउट होता है। तो ये वीजीएचएम कैसे आउट होता है, वीजीएचएम आउट होने के लिए इस आईसी को टीकॉन बोर्ड से एक सिग्नल आता है जीवी ऑफ करके, वो सिग्नल और वीजीएच दोनों मिलकर के मॉड्यूलेटेड बोलते हैं उसको, वीजीएच मॉड्यूलेटेड। तो ये जो वीजीएचएम आउट होता है, वो टीकॉन प्रोसेसर के द्वारा जो सिग्नल आता है उससे कंट्रोल होता है। तो इस तरह से इस आईसी का वर्किंग मेथड होता है। अभी ऐसा नहीं कि कोई वोल्टेज जनरेट नहीं हो रहा तो सीधा आईसी चेंज कर देना है, पहले आप चेक कीजिए 12 वोल्ट इनपुट है या नहीं है, एवीडीडी बन रहा है या नहीं बन रहा है। अगर वोल्टेज नहीं बन रहे हैं तो आप ये कंपोनेंट जो हैं, फ्लाइंग कैपेसिटर्स, वीजीएल के, वीजीएच के, हाँ, एवीडीडी में जो अगर ये डायोड है, इसको भी चेक कीजिए ये प्रॉपर है या नहीं है, ये जो डायोड लगा है ये कभी ख़राब होगा तो प्रॉब्लम होगा। तो कोई भी अगर सर्किट में प्रॉब्लम होती है तो ये आईसी अपने आप बाकी वोल्टेज जनरेट करना बंद कर देती है। सबसे मेन बात, अगर वोल्टेज जनरेट नहीं होती तो पहले आप ये चेक कीजिए कहीं पैनल तो शॉर्ट नहीं है, वीजीएच ग्राउंड के साथ शॉर्ट नहीं है, वीजीएच वीजीएल आपस में तो शॉर्ट नहीं है। तो वो सब चीज़ों को शॉर्टिंग को चेक करने के बाद अगर आपको लगता है कि शॉर्टिंग भी नहीं है, सब कुछ ओके है, ये कैपेसिटर्स वगैरह, ये डायोड सब कुछ ओके है, फिर भी ये आईसी वोल्टेज जनरेट नहीं कर रही है, तब आप ये आईसी को चेंज करने का डिसीजन लीजिए।
फर्स्ट में आप लेंगे तो बाकी सर्किट में कहीं प्रॉब्लम है, नई आईसी लगाएंगे तो वो भी वर्क नहीं करेगी, क्योंकि प्रॉब्लम आईसी में नहीं है, प्रॉब्लम कहीं ये पी चैनल मॉसफेट में हो सकती है, ये कैपेसिटर्स में हो सकती है, ये डायोड में हो सकती है। तो इस तरह से आप ये प्रोसेस को देख सकते हैं, और ये ट्रांजिस्टर्स नहीं हैं, ये डायोड्स हैं, और इनको आप चेक करके इस तरह से आप सर्किट को ट्रेस कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।